गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स सब्जेक्ट मॉरल साइंस चैप्टर टू एंड द टाइटल इज ब्रेव लिव फॉर एवर। सो जस्ट आई एम गोइंग टू रिज्यूम द स्टोरी। स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि शिवाजी जो हैं वो राजगढ़ की ओर वापसी करते हैं और काफ़ी सोचते हैं अपने माँ के जो उनका विचार था, जो उनका इच्छा था उसके बारे में। और तब जा कर के उनके मन में एक नाम जो है वो फ्लैश करता है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है तानाजी मालू सरे, उनका बचपन का मित्र और काफ़ी बहादुर, जो कि आर्मी के जनरल हैं। सो अब आगे की कहानी। ही सेंट ए मैसेंजर टू तानाजीज विलेज एंड आस्क्ड हिम टू कम टू राजगढ़ इमीजिएटली। सो एक वहाँ पर एक मैसेंजर को, पत्रवाहक को तानाजी के गांव में भेजते हैं और बोलते हैं कि आप उनसे बोलेंगे कि तुरंत यानी जल्द से जल्द राजगढ़ की ओर प्रस्थान करें, यानी आए। तानाजी वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हिज सन्स वेडिंग इन हिज विलेज अमृत व्हेन द मैसेंजर केम टू डिलीवर द किंग्स मैसेज। और जब तानाजी को यहाँ काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि उनके बेटे का जो उनका बेटा का जो शादी था उसकी पूरी तैयारी चल रही थी। उस गांव का नाम अमृत है और मैसेंजर जाता है और जो किंग्स का मैसेंजर मैसेज होता है उनको डिलीवर करता है। जब उनको इस सारी बातों को जानकारी मिलती है तानाजी मालूसरे को, तो वह ही पोस्टपोन्डेड ऑल द सेलिब्रेशंस एंड सेट अप इमीजिएटली विथ हिज ब्रदर सूर्याजी एंड हिज अंकल सेलेरमामा लीडिंग एन आर्मी ऑफ हॉर्समैन। और तभी वह जो शादी ब्याह का जो उत्सव था वो वहीं पर रोक देते हैं और तुरंत अपने भाई सूर्या जी और अपने अंकल यानी मामा, जो कि सेलर मामा यहाँ पर दिया गया है, उनके साथ और पूरे जो आर्मी का जो हॉर्समैन थे, घुड़सवार थे, उनको लीड करते हुए वहाँ से कूच कर जाते हैं। अपॉन रीचिंग राजगढ़, और जब राजगढ़ में उनका आगमन होता है, तो ही वॉक्ड स्ट्रेट इनटू शिवाजीज रूम टू फाइंड हिम सिटिंग इन डीप थॉट। और सीधे वहाँ पहुँचने के बाद शिवाजी के रूम की ओर वह रुक करते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि शिवाजी जो हैं अपने रूम में काफ़ी चिंतित मुद्रा में उन्हें मिलते हैं। बोइंग बिफोर द किंग ही सेड, और वहाँ पर वह झुकते हैं और बोलते हैं, राजा आई एम हेयर एट योर सर्विस, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ। व्हाट हैज़ मेड यू कॉल मी हेयर, आखिर क्या बात हो गई जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। शिवाजी गॉट अप एंड एम्ब्रेस्ड हिज ट्रस्टेड जर्नल। और शिवाजी जो है वो वहाँ उनको गले लगाते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी विश्वसनीय जनरल वो थे। एक्सक्लेम्ड, इसके बाद वो बोलते हैं, ओह माई सिम्हा, सिम्हा का मतलब यहाँ लाइन होता है, लाइन मीन्स शेर, तो मेरा
जो शेर है वो आ चुका है एंड आस्क हिम टू सीट डाउन, और बोलते हैं ठीक है बैठो। ही फर्दर कंटिन्यू, फिर वो आगे बोलते हैं वी हैव वेरी डिफिकल्ट मिशन, हम लोग के पास एक बहुत ही टफ मिशन है। आई नो दैट इफ इट कुड एवर बी अकम्प्लिश्ड बाई एनी वन, मुझे पता है कि शायद ही इसे कोई कर सकता है, लेकिन इट इज़ यू, लेकिन तुम हो हु कैन डू इट एंड नो वन कैन एल्स, मुझे पता है कि तुम इसे कर सकते हो आसानी से और सिर्फ तुम ही कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसी पर तानाजी मुस्कुराते हैं और इसके बारे बोलते हैं व्हाट इज द मिशन राजा, राजा मिशन क्या है। शिवाजी कुड नॉट गेदर द करेज टू टेल हिज चाइल्डहुड फ्रेंड द नेचर ऑफ द मिशन, सो ही आस्क्ड हिम टू गो टू हिज मदर एंड नो अबाउट द मिशन फ्रॉम हर एज इट वॉज हर विश। यहाँ पर शिवाजी जो हैं वो साहस नहीं जुटा पाते हैं कि अपने बचपन के मित्र को जो मिशन है उसके नेचर के बारे में बताएं, इसीलिए वह बोलते हैं कि जाओ तुम माँ से मिल लो, वही तुम्हें सब कुछ बताएगी क्योंकि उसका ही यह इच्छा है। अपॉन नोइंग अबाउट द मिशन फ्रॉम जीजाबाई, तानाजी बोर्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड वर्ड दैट आइदर ही वुड एकॉम्प्लिश द मिशन और डाई इन द प्रोसेस एंड मूव्ड आउट ऑफ द फोर्ट टू हेड बैक टू राजगढ़ एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मिशन विद शिवाजी। इसके बाद वहाँ जाने के बाद जीजाबाई के सामने वह झुकते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और इसके बाद सारा बात वो जान करके वहाँ से वो कसम खाते हैं कि या तो मैं इसे पूरा करूँगा नहीं तो मैं इसके लिए अपने जान तक दे दूँगा, और ऐसा बोल करके वो किले से बाहर निकलते हैं, वापस वहीं पहुँचते हैं राजगढ़ एंड वो डिस्कस करते हैं सारे डिटेल्स को मिशंस के बारे में, जो भी उनका मिशन होता है कार्यक्रम होता है आगे का शिवाजी के साथ। द मैप ऑफ कोंडाना फोर्ट वॉज स्प्रेड ऑन द टेबल एंड तानाजी वॉज इंग्रोस्ड इन स्टडिंग इन डिटेल्स, और वहाँ पर कोंडाना फोर्ट में एक टेबल पर तानाजी सामने एक मैप रखे होते हैं और उसका अध्ययन करने में वो काफ़ी व्यस्त होते हैं। सडनली ही स्माइल एंड सेड, तभी वह एकाएक हंसते हैं और बोलते हैं और वहाँ हाँ बोलते हैं तानाजी का स्टेटमेंट है राजा द फोर्ट इज गार्डेड ऑन थ्री साइड्स, राजा ये जो किला है वो तीनों तरफ से गार्डेड है यानी कि उसकी चौकसी किया गया है। वी शैल इंटर द फोर्ट फ्रॉम द वेस्ट साइड विच इज नॉट गार्डेड, तो हम लोग वेस्ट साइड से यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे जो कि गार्डेड नहीं है, वहाँ पर कोई पहरेदार नहीं है, उसका चौकसी नहीं किया गया है। तो इस पर शिवाजी बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग तानाजी, यह तुम क्या कह रहे हो, डू यू नो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू स्केल द स्टीप वॉल ऑन द वेस्ट। अरे तानाजी ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुमको पता है कि कितना टफ है ये जो स्टीप वॉल है वेस्ट से, यानी स्टीप मतलब होता है तीव्र ढलान वाला, मेरे लिए इट्स सीम्स इम्पॉसिबल, मेरे लिए तो यह असंभव है, शिवाजी यहाँ बोलते हैं। इट में सीम इम्पॉसिबल टू यू बट नॉट टू योर लायन,
इस पर तानाजी मुसरे जो हैं वो बोलते हैं कि आपके लिए असंभव है राजा, लेकिन आपके शेर के लिए नहीं, यानी उनका इशारा अपने तरफ होता है। आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक योजना है। इट इज डिफिकल्ट मिशन बट नॉट एन इम्पोसिबल वन। वो बोलते हैं कि सच में बेसिकली अगर देखा जाए तो यह एक डिफिकल्ट मिशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसे जरूर पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हियर आई स्टॉप दिस स्टोरी एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हेयर। सो दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।